अमोनिया लीकेज की रिगार्डिंग में यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ था, तो उसके लिए सबसे पहले फायर टेंडर को बुलाया गया। फायर टेंडर की वजह से स्प्रे किया गया वाटर का। वाटर स्प्रे इसलिए किया गया कि अमोनिया हाईली सोल्यूबल वाटर में होता है। सोल्यूबल होने की वजह से जो एनवायरनमेंट में अमोनिया है तो वो वाटर में सोल्यूबल होके डिस्चार्ज हो सके, ताकि एनवायरनमेंट में आसपास उसका खतरा कम हो सके। कि जितने भी क्लाउड बन रहे थे, जो अमोनिया निकल रही थी, उसे कंट्रोल करने के लिए पहले पानी का स्प्रे किया गया। स्प्रे करने से क्या होता है, जो भी वातावरण में या एनवायरनमेंट में जो भी अमोनिया होगा वो नीचे आ जाएगा और कम से कम बाहर जाएगा। उसके बाद जो टेक्निकल टीम आई है अपने अपने इक्विपमेंट्स के साथ, और वहाँ पे जो जहाँ से लीकेज था उसे उन्होंने अपने कंट्रोल किया है। आज आम डायरेक्टर फैक्ट्री एंड ब्रॉयलर तरफ इफ्कोर सहभागिता में आम गोटे कर्मशाला आयोजन करुच्छू। कर्मशाला थी आप सेफ हैंडलिंग अमोनिया, आपण मैंने जानते जे आप कटक डिविजन अंडर में अराउंड 50 फैक्ट्री आम अच्छी, जो फैक्ट्री मैंने अमोनिया गैस यूज कर रेफ्रिजरेंट से प्रोसेसेस में यूज करदी। अमोनिया गैस निर्गत है, अमोनिया गैस निर्गत जो जेहे अमोनिया गैस विपजुक्त मानते टक्सिक गैस जदि आप बाहर आपंकर लोक कि श्रमिक भाई मैंने किसी इंजोर्ड हो पारे एवं पाखे रोकवा किसी लोक आफेक्टेड हो पारती। से आम गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम और कम अवेयरनेस प्रोग्राम आम आयोजन करूँ। एक वर्कशॉप के माध्यम से अमोनिया हैंडलिंग के बारे में उनको एक्सप्लेनेशंस दिए गए। ये बड़ी सुंदर वर्कशॉप रही, काफ़ी अच्छे इंटरेक्शंस रहे, और इसमें फ़ायदा यह है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके पास अमोनिया हैंडलिंग तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके पास में सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बारे में जो जानकारी है, अगर उसको सही तरीके से उनको दिया जाए, इनके ऑपरेटिंग स्टाफ को ट्रेन किया जाए, तो किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटना को हम टाल सकते हैं। क्योंकि अमोनिया एक हैजार्डस है और ऐसा गैस जिसको हम हैंडल करते हैं, और उस समय में अगर कॉम्पिटेंट पर्सन या कॉम्पिटेंट लोग अगर उसको हैंडल करते हैं तो उससे ज़्यादा अधिक अच्छी बात नहीं है। आम सैटिस्फाइड निश्चिंत होबू क्या जो मगडिल देखे प्रकृत पक्ष में कार्य होने जानलु, कितु जो प्रकृत मगडिल जहाँ देखा जाता जो अमोनिया गैस लिक हम सही वास्तव में से कम हो नहीं से समय ही कहबो।